अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं और दुआ करती हूं कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, हमेशा खुश और आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ साथ रहें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सपोर्ट किया मेरे दोनों व्लॉग्स को। हालांकि बहुत प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उनके लिए। बस एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि आपके कमेंट्स उसमें कम थे। कमेंट्स आपके होने का एहसास दिलाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये कि अपने होने का एहसास दिलाते रहें और हमारे साथ साथ रहें। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी लॉन्ड्री रूटीन शेयर करूंगी और उसके साथ मेरे बच्चों की फेवरेट चिकन कढ़ाई है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। क्विक एंड इजी रेसिपी है क्योंकि मैं हमेशा स्मार्ट वर्क करना पसंद करती हूँ, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप ट्राई करेंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलें, ऑल्टरनेटिव डेज पे वॉशिंग करती हूँ। मशीन की सेटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है लेकिन हो जाती है आसानी के साथ। तो जो पहले से पहले हुए कपड़े होते हैं उन्हें उतार के रखती हूँ और फिर उन्हें अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और जो कपड़े धुल जाते हैं उन्हें फिर हिला देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वेंटिलेशन नहीं है, जाली वाला दरवाज़ा है, हवा रहती है, तो वहीं पर जो है ना कपड़े फैलाती हूँ ताकि हवा में ही ड्राई हों। और जो कोई बड़ी चादरें वगैरह होती हैं वो फिर कमरे के दरवाज़ों पे फैला देती हूँ। और अपने कपड़े रख देते हैं फोल्ड करके, अकीब के और उसके पापा के कपड़े जो होते हैं उनमें से एक एक सूट जो है वो निकाल के उन्हें आयरन कर लेते हैं ताकि जो है ना अगले दिन का काम थोड़ा सा आसान हो जाए, सारे एक साथ करके नहीं रखे जाते। तो बस ये भी काम इसी तरह चल रहा है जी। आपने देखी मेरी लॉन्ड्री की रूटीन, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, छोटी सी फैमिली है मेरी और बस यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि मशीन की सेटिंग का प्रॉब्लम था तो वो मेरे हस्बैंड ने खुद ही उसकी फिटिंग कर दी, जो वाटर वहाँ तक पहुँचाना था, वाटर पाइप पहुंचाना था मशीन तक, वो भी उन्होंने खुद ही किया। और उसके साथ ड्रेनेज का भी कोई सिलसिला नहीं था, उसको भी फिर हमने खुद ही एडजस्ट किया। तो ये है कि बहरहाल सहूलत है लेकिन पानी का मसला फिर इस तरह हल कर लेते हैं कि फजर के वक्त जब उठती हूँ तो उस वक्त मैं उठ के मशीन लगा लेती हूँ और मोटर चल रही होती है तो ईजी वॉश हो जाता है। तो उसके बाद बस कपड़े जगह जगह रख देती हूँ, अपने तो आयरन करते हैं जब पहनने हो, कभी जाना आना कहीं हो। गर्मियों में तो लेडीज़ घर में मेरी बात से अग्री करेंगी कि बहुत कम होता है क्योंकि डेली दो दो दफ़ा भी चेंज होते हैं, तीन तीन दफ़ा भी चेंज होता है तो इतना आयरन वाला काम कौन करे। तो उसके साथ जेंट्स के कपड़े जो हैं वो साथ साथ प्रेस होते रहते हैं जब कभी उन्हें ज़रूरत होती है, करके रख इसलिए नहीं सकती कि सेव करने की जगह नहीं है, घर बहुत पुराना बना हुआ है, जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं तो इसलिए जब इन्हें ज़रूरत होती है तब साथ साथ प्रेस कर देते हैं। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम बन जाता है, इन्हें कपड़ों की ज़रूरत और लाइट चली जाए तो फिर तो अच्छी खासी जो है ना डांट पड़ जाती है, लेकिन ये कि चल रहा है सिलसिला, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आपको अब चिकन कढ़ाई की रेसिपी दिखाती हूँ, आप उसे ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। जी चिकन को फ्राई करें ऑयल में और उसमें सारे लहसुन अदरक पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, फ्रेश लहसुन अदरक कूट के भी डाला जा सकता है, उसे डाल के तो उसे अच्छे से फ्राई कर लें, फिर सारे मसाला जात डाल लें और टमाटर डाल लें। जब टमाटरों के पानी में चिकन गल जाए अच्छे से तो उसमें कसूरी मेथी और सब्ज़ मिर्च डाल के दम पर लगा दें। गर्मा गर्म लजीज चिकन कढ़ाई रेडी है, इंजॉय करें और बताएं कैसी लगी आपको। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने होने का एहसास दिलाएं। इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह हाफिज़।